नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं आपका मंथली हॉरोस्कोप 2020 का। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है। इस मंथली फोरकास्ट का कोई भी रेलेवेंस सन साइन प्रेडिक्शन के साथ नहीं है। इस मंथली प्रेडिक्शन का पूरा बेस भारतीय ज्योतिष शास्त्र है और आपकी चंद्र राशि आपका मून साइन है। आज का जो वीडियो है ये आपको एक तरह से रिमाइंड करवाएगा कि इस मंथली फोरकास्ट में हम डिस्कस क्या करते हैं। मंथली फोरकास्ट में हम बात करते हैं इस पूरे महीने की आपकी हेल्थ कैसी होगी, इस फुल मंथ की आपके एजुकेशनल करियर के हालात क्या होंगे, इस पूरे महीने में आपका इश्क मुश्क रोमांस मैरिज कैसी होगी, इस पूरे मंथ की आपकी करियर जॉब बिजनेस प्रोफेशन कैसा रहेगा, इस पूरे मंथ के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होगा। और हर वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर पार्ट को देख भी सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम स्टैम्प्स लगा रखी है ताकि उस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख सकें। और मंथली फोरकास्ट आप सभी के लिए है और पूरे मंथली फोरकास्ट को आप इसको इन्जॉय तो करें और इन्जॉय करने के बाद हमें सब्सक्राइब बनना ना भूलें, हमारे वीडियो को क्लिक देनी लाइक देना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी हमारे लेटेस्ट वीकली फोरकास्ट के बारे में, मंथली फोरकास्ट के बारे में, जो आने वाले सालों के ईयरली फोरकास्ट हम एडवांस पे बना रहे हैं उनके बारे में, जो चार प्रमुख ट्रांजिट होते हैं उनके बारे में जो हम चैनल पे डालते रहते हैं, शनि की ट्रांजिट, बृहस्पति की ट्रांजिट, राहु केतु की। लेकिन अगर आप इस पूरे मंथली फोरकास्ट का फुल वर्जन देखना चाहते हैं जिसमें इस मंथली फोरकास्ट के साथ फुल वर्जन में आपको मिलेगा सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लेके आएगा मंथ के अंदर, उसका पूरा कंप्लीट ट्रांजिट गोचर का फल, और पूरे मंथ के आपके उपाय क्या हैं, पूरे मंथ का आपकी प्रिकॉशंस क्या हैं, पूरे मंत्र की मंत्र साधना जो आपके लिए दी गई है। अगर ये सब कंप्लीट मंथली फोरकास्ट लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें prakashastrologer.com और पूरा मंथली फोरकास्ट ग्रहण करें। पाइसिस हेल्थ कैसी होगी 2020 मई के अंदर, मई 2020 के अंदर आपके सेहत कैसी होगी। इस पूरे समय के अंदर स्ट्रेस बहुत होगा और स्ट्रेस की वजह से आपके हेडेक्स होंगे। हेल्थ वाइज अपनी चेस्ट प्रॉब्लम का बहुत ध्यान रखें, दिमागी परेशानियां बहुत होंगी और ऐसे कोई इशू जिसका ताल्लुकात ब्लैडर्स के साथ हो, किडनी के साथ हो, बहुत ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी से बच के रहें। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे पाइसेस 2020 मई जून के बारे में, मई के 2020 के बारे में, मंथ ऑफ मई के अंदर आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। मई का जो पूरा महीना है पढ़ाई लिखाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जितनी आप एफर्ट लगाएंगे उसके उतने बड़े रिवार्ड मिलेंगे। एक्सप्रेशन आपके बहुत क्लैरिटी है, एक्सप्रेशन के अंदर लिखने में, बोलने में, प्रेजेंटेशन में आप बहुत यूनिक हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, आपके साथ हो जाएंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, ख़ास तौर पे आपके टीचर, और रिस्पेक्टफुल भी होंगे, बहुत तरक्की भी होगी 2020 मई के अंदर। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई का ताल्लुकात मैथमेटिक्स के साथ है और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत सारे रुकावटों को सामना भी करेंगे लेकिन उसमें से निकल आएंगे और नॉलेजबिलिटी स्किल सेट आप अचीव करेंगे और तरक्की बहुत होगी, नाम बहुत होगा और वाइडली जो होगी कई चीज़ें अच्छी बहुत ज़्यादा होंगी, लर्निंग एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हालात भी अच्छे होंगे। पाइसेस रोमांस रिलेशनशिप कैसा होगा 2020 मई के अंदर, मई का मंथ 2020 मई के अंदर रोमांटिक रिलेशनशिप आपके काफ़ी अच्छे होंगे। ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार कमिटमेंट बनाते हुए रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप को एंजॉय तो करना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट बनाना नहीं चाहते, ये भी बात है। आप रिलेशनशिप में प्लेयर तो लेना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट कई बार नहीं बनाना चाहते, और रिलेशनशिप में आप पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं बट विदाउट कमिटमेंट, ये भी है।
मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस कई बार नहीं होगी, और ये भी कहना चाहूँगा ये पूरा मंथ रिलेशनशिप के लिए कई बार स्टेटस को लेके, बिहेवियर को लेके, आपसी जो कम्युनिकेशन है कई बार वैसी हो जैसी होनी चाहिए, वॉइसेस कई बार वैसी नहीं होगी। कम्युनिकेशन होनी तो बहुत अच्छी चाहिए, कई बार कम्युनिकेशन के अंदर के थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं गलत फहमियाँ होंगी, या कई बार एटीट्यूड बहुत सख्त होगा, या जैसा पैशन आपको देना चाहिए कई बार आप उतना नहीं कर पाएंगे, ये भी है। और ये भी कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, पैशन देंगे तो पैशन मिलेगा, अफेक्शन देंगे तो अफेक्शन मिलेगी, केयर देंगे तो केयर मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग देंगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जॉब प्रोफेशन करियर के बारे में 2020 मई का जॉब प्रोफेशन करियर के हालात क्या होंगे, इस पूरे मंथ के अंदर आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, बहुत ऑनर अचीव करना चाहते हैं, बहुत प्रेस्टीज लेना चाहते हैं, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको बहुत मिलेगी, कामकाज आपका बहुत बढ़ेगा, तरक्की करेंगे मई 2020 के अंदर, एफर्ट बहुत लगाएंगे, बिजी बहुत रहेंगे, आपके अपनी लाइन के अंदर आपकी एक्टिविटी बहुत होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, गोल्स भी आप अचीव करेंगे, ड्रीम्स को डिज़ायर्स को फुलफिल करने में कामयाब होंगे। 2020 मई के अंदर बहुत सारे काम करेंगे, और ये भी कहना चाहूँगा आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, आपकी जो पास्ट एफर्ट्स है वो बहुत बड़े रिवार्ड लेके आएंगी, आपका फेम में राइज होगी, नेम फेम में राइज होगी, एस्टैब्लिशमेंट में राइज होगी, और ये जो पूरा मंथ है उसमें आपकी एज ए अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टेक्नोलॉजी है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और नाम बढ़ेगा। और ये पूरा मंथ ऑफ मई के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, हार्डशिप जितनी होगी वो निकल जाएगी, इंडिपेंडेंटली काम आपका बढ़ेगा। और ये भी कहना चाहूँगा आपके रिवार्ड्स आपको मिल जाएंगे, एफर्ट्स जो आपने बहुत लगाई है उसका बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, तरक्की होगी, इनकम के रिसोर्सेज एक से ज़्यादा होंगे, और बहुत सारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बड़े लोगों से रिश्ता कायम होगा, नाम होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, और कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा आपके मेरा ये मानना है कि उस कम्युनिकेशन से बहुत एक नया बेस आपको मिल जाएगा, मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे और कॉन्टैक्ट बनेंगे, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट बनेंगे, और तरक्की बढ़ेगी। पाइसिस मंथली कंक्लूजन कैसा है मई 2020 का? मई 2020 के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी डिले से गुजरना पड़ेगा, कई बहुत सारे स्ट्रगल से आप गुजरे भी हैं, बहुत सारा स्ट्रगल अभी पड़ा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो सकती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके, फाइनेंशियल बैकिंग को लेके, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, ट्रिकी सिचुएशंस होंगी, और किसी बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, इंक्रीज्ड सोर्स ऑफ इनकम आपके होंगे, इंक्रीज रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, तरक्की आपकी होगी, नाम आपका होगा। इस पूरे मंथ के अंदर पोजीशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, और वैल्यूएबल एसेट्स आपको मिलेंगे, पैसा बहुत खर्च करेंगे, अच्छे काम बनेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, कम्बिनेशन बहुत फेवरेबल है पाइसिस 2020 मई का। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप बैरिस्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप आईटी कंसल्टेंट हैं, आपकी डिज़ायर बहुत है पाइसिस की इंडिपेंडेंट काम किया जाए, जॉब छोड़ के कोई बिजनेस किया जाए, आपका ये अरमान है दिल में, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो अरमान आपका पूरा हो जाएगा, धन संपदा मिलेगी और लग्जरीज को बहुत इंजॉय करेंगे, प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिल सकता है, और ये भी कहना चाहूँगा इनकम के रिसोर्सेज आपके एक से ज़्यादा होंगे, तरक्की होगी, लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगी, वेल्थ कम्फर्ट लग्जरीज आपको मिलेगी, आप अपनी ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी एफर्ट्स के अंदर कामयाबियाँ लेके आएंगे, धन संपदा मिलेगी, आप विक्टोरियस होंगे, और रिस्पेक्ट बनेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, बिजनेस के अंदर बहुत कामयाबी मिलेगी, एसेट्स बनाने का मौका मिलेगा, अपने वजूद से अपनी काबिलियत से आप पैसा बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ोतरी मिलेगी,
ये जो पूरा मंथ है प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत यूनिक है। स्पेकुलेशन में आप पैसा लगा सकते हैं, ट्रेडिंग में आप पैसा लगाएंगे। अगर आप पाइसेस हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लॉयर हैं, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, नाम बढ़ेगा, तरक्की आपकी होगी। अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, आप ज्वेलर हैं, गोल्डस्मिथ हैं, तो भी रिजल्ट बड़े अच्छे हैं और बहुत सारे एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे। अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपकी होगी, ऑनर आपको मिलेगा, बहुत अच्छे हालात होंगे। दोस्तों मित्रों की सहायता भी आपको मिल जाएगी, फ्रेंड्स की हेल्प भी आपको मिलेगी, आपके मंसूबे भी पूरे होंगे और अच्छी बढ़ोतरी होगी, नाम होगा, तरक्की होगी। कई बार विचार आ सकता है जगह बदलने का, कई बार माइंड में ऐसा सोच आ सकती है कि जगह बदली जाए या ट्रैवलिंग की जाए, और कामकाज में तरक्की आपकी होगी, फेम आपको मिलेगी। 14 मई के बाद सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगी, और लेकिन ईगो ना लेके आए। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि अपनी ईगो बड़ी, ईगो अपने अहंकार को इन्फ्लेट ना होने दें। हर लेवल पे जाके आप तरक्की लेंगे, बहुत आप तरक्की करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, अपने वेल्थ होगी, फेम होगी, इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सक्सेस मिलेगी। टेम्परामेंटल अपना अच्छा रखें, क्लैशेस बहुत होंगे, और लोगों के सामने सम्मान अपना बनाए रखें, और जो भी आप कर रहे हैं अच्छा करें, लेकिन सोशल पार्टिसिपेशन आपका बहुत होगा, दोस्तों मित्रों की मदद भी आपको मिलेगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूवमेंट बहुत होगी, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल बैकिंग आपकी बढ़ेगी, अपनी ऑप्शंस अपनी चॉइसेस को ठीक ठाक रखें, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, इन्वेस्टमेंट पहले से अच्छी होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, और कई बार लोग आपके साथ कहीं उससे आपका सेपरेशन होना परमानेंट वो होना है। पैसा सोच समय के खर्च करें, लग्जरीज में पैसे लगाते हुए विचार कर लें, अपनी आमदन के रिसोर्सेज बना लें, तरक्की कर लें, वेल्थ आपकी बनेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के अंदर गाड़ी, प्रॉपर्टी, मशीनरी के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी आपकी बनेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, और टेक्नोलॉजी के बिजनेस के अंदर पैसा आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा आप ट्रैवलिंग के दौरान बिजनेस ट्रैवलिंग से भी कमा पाएंगे। स्पेकुलेशन में आपको धन संपदा मिलेगी और शत्रु आपके बच ना पाएंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि मई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोर्ट में जाते हैं सक्सेस हासिल होगी, कोई मुकदमा है आपका तो सक्सेस आपकी हासिल होगी। अगर आप ज्वेलर हैं या गोल्डस्मिथ हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, धन संपदा बना पाएंगे, एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अब मानेंगे और डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेंगे, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। अगर आपका फील्ड का ताल्लुका कंस्ट्रक्शन से है, टेक्नोलॉजी से है, कोई डिज़ाइनिंग से है, फार्मिंग से है, आप कोई चीज़ ग्रो भी करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एसेट्स आपके बनेंगे, वेल्थ आपको मिलेगी, प्रोफेशनल गोल आप अचीव करेंगे, फेम आप अचीव करेंगे। लेकिन एक बात ओपनली कहना चाहूँगा, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग से आप अपने बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु केतु को थोड़ा अपने इनको इक्वेशन में ठीक कर सकते हैं। अगर ये बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु केतु, अगर इसको थोड़ा बहुत भी आप इक्वेशन को उपायों से, पद्धति से ठीक कर सके, तो प्रोफेशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, कर्जे नहीं चढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इनकम में कोई रुकावट नहीं आएगी, और खुशी आपके बनी रहेगी, करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, हेल्थ और हैप्पीनेस आपकी बनेगी। उपाय पद्धति से, मंत्र साधना से अपने अपने ग्रहों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी बेस्ट के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपने रिवार्ड्स के लिए। अगर आप पूरी रिपोर्ट लेते हैं तो पूरी मंथली की रिपोर्ट लें, उसमें सभी पर्टिकुलर्स, सभी आस्पेक्ट होंगे, सभी एलिमेंट्स होंगे। मंथली, फुल मंथली फोरकास्ट के अंदर इस पूरे मंथ के, मंथ ऑफ मई का पूरा फोरकास्ट होगा, तो उसमें आपकी पूरी प्रोडक्शन होगी, बहुत डिटेल में प्रोडक्शन भी होगी, पूरे उपाय भी होंगे, क्या नहीं करना वो भी बताया जाएगा, मंत्र साधना जिससे आप अपना रूहानी स्ट्रेंथ, अपनी रूहानी बैकिंग लेके, स्पिरिचुअल बैकिंग लेके आप अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं, वो भी होगा। ये आप पे है कि आप मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट लेते हैं तो आप पे है। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ
आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं, मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हारमोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें, ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।